आतंकवाद और राष्ट्रवाद। बौद्धिक आतंकवाद हम सबने सहा है, प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक हम सबने भुगता है, मैंने स्वयं सहा है। उदाहरण देना चाहूंगी, 2008 दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एंशिएंट कल्चर इन इंडिया, उसमें एक चैप्टर है 300 रामायणास बाय ए के रामानुजन। क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें? उसमें पढ़ाया जा रहा है कि भारत का एंशिएंट कल्चर कैसा था। पहला वाक्य क्या कहता है? रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने गर्भ धारण किया, 8 महीने के बाद उसको छींक आई, उसके नाक से सीता पैदा हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट। लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे और हनुमान रात को लंका के शयन कक्षों में विचरा करते थे। जब ये बात ध्यान में आई तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमने कोर्ट से कहा कि ये इंसल्टिंग है, डेरोगेटरी है, डिफामेटरी है, इट हैज टू गो। कोर्ट टोल्ड अस, व्हाई डोंट यू बी मोर टॉलरेंट। कोर्ट ने हमें कहा कि ये एजुकेशन का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्ण, नो 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 नो, वी कैन नॉट इंटरफियर, यूनिवर्सिटी हैज टू डिसाइड दिस। कोई जज साहब ये नहीं देख पा रहे कि यूनिवर्सिटी यानी वो मार्क्सवादी शक्तियां यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं, जो एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी देश काम करने में लगी हुई हैं। हमने एक लिबर्टी ली सुप्रीम कोर्ट से कि हम जाएं और वाइस चांसलर को ये बात बताएं। बार बार लगातार हम लोग वाइस चांसलर साहब के पास गए, उसके बाद एकेडमिक काउंसिल में हम में से कुछ राष्ट्रवादी प्रोफेसर्स ने इसको एजेंडे में डाला, उठाया और इस चैप्टर को कोर्स से सदा के लिए हटा दिया गया। यहां तो तालियां बजी, तब क्या हुआ? तब राष्ट्रीय न्यूज चैनल से लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की हेडलाइन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी तक क्या कहा गया? सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्रेशन राइट टू स्पीच अंडर थ्रेट इन इंडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है। कौन कर रहा है ये आघात? ये आघात कर रहे हैं हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स। सहा, चुप रहे।